हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखते हैं। तो चेस्ट है 32 इंचेस, इसका 1/4 लेंगे हम 8 इंच। लंबाई हमारी ब्लाउज की 13 इंच, गला फ्रंट साइड का 5.5 इंच, बैक साइड का 8 इंच, बाजू की लेंथ है हमारी 5 इंच और चौड़ाई में यानी कि बॉटम है बाजू का 6 इंच। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। जब भी हम प्रिंसेस कट, कटोरी ब्लाउज़ या डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें पेपर पे कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है, पेपर को हमने इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद बंद बाजू जो है वो अपने साइड में ली है इस तरह से, और यहाँ पे हम पहले, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13 इंच, ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे यानी कि 14 इंच हम ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। 13 इंच हमारी तैयार है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, चेस्ट है हमारी 32 इंच, तो उसका 1/4 लेते हैं हम 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है जो गले के लिए हमने ये निशान लगाया है। 5.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, ये हमारा शोल्डर है। और यहाँ पे हमने 8 इंच पे एक मार्किंग किया है, ये हमारा चेस्ट का 1/4 है और 1.5 इंच हमने प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे एक आर्म होल लेना है, इसका हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो फ्रंट साइड की गोलाई देंगे हम 1 इंच पे और बैक साइड की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच के। यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप देना है, ये जो है 1 इंच पे हमने जो गोलाई दी है ये है हमारी फ्रंट साइड की, और 1.5 इंच पे जो गोलाई दी है ये है हमारी बैक साइड की। यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का गला है 5.5 इंच, हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इसका भी हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम गले के लिए राउंड शेप देंगे। अब हम ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें शोल्डर जो है हमारा, इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे हमें नीचे के साइड में एक निशान लगानी है। ये सेंटर से हमें 4.5 इंच लेना है, ऊपर के साइड में हमें 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन लगाते हैं। ये सेंटर से हमें 1/4 इंच पे, इस साइड में 1/4 इंच लेना है और दूसरे साइड में भी हमें 1/4 इंच लेना है। अब ये जो 1/4 इंच जो है ये हम ये 4.5 इंच में ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने शोल्डर का सेंटर निकाला था, सेंटर के बिल्कुल सामने हमने 4.5 इंच पे एक सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग किया था और यहाँ से हमने 4.5 इंच लिया था। ये जो 4.5 इंच हमने लिया है इसे हमें सीधा आर्म होल में ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें इसको आर्म होल में ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक साइड का आर्म होल जो है वो कट करेंगे। अब ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है। यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक साइड का गला साथ में ही कट करेंगे और बैक साइड का जो गला है उसे हम कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट और बैक साइड हम अलग कर लेते हैं। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। अभी यहाँ पे हमें जो 1/4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें इस तरह से कट करना है।
इस तरह से। तो ये जो फ्रंट साइड का दोनों पार्ट जो है, जैसे बीच में हमने सेंटर निकाल के यहाँ पे 1/4 इंच और यहाँ पे 1/4 इंच लिया था, अब ये जो दोनों पार्ट है इसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1/4 इंच लिया था तो उसके अपोजिट साइड से हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे। जैसे दोनों पार्ट का है 1/4 इंच, इस साइड में 1/4 इंच बढ़ाते हैं और इस साइड में 1/4 इंच बढ़ाएंगे। तो इसको हम कैसे बढ़ाते हैं ये हम दूसरे पेपर पर बढ़ाकर दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये दूसरा पेपर लिया है, दूसरे पेपर के ऊपर हमने ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है उसको हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 1/4 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, यहाँ पे हम 1/4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 1/4 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये जो पार्ट है, जैसे इस साइड में हमने 1/4 इंच बढ़ाया था तो उसके अपोजिट साइड से हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस में इसको रखना है। यहाँ पे हम नीचे के साइड में ही 1/4 इंच बढ़ाया है, ऊपर के साइड में हमने जैसा है वैसे ही रखा है जैसे। और ये जो ये पार्ट जो है जैसा है वैसा ही हमें मार्किंग करनी है। हमने सिर्फ यहाँ पे जैसे उसके अपोजिट साइड से हमने 1/4 इंच बढ़ाया है, बाकी जैसा है वैसा ही हमने निकाला है। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको ये पार्ट को हमने बढ़ाया है। अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से बढ़ाते हैं। जैसे ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी हम जैसे यहाँ पे हमने 1/4 इंच बढ़ाया था तो उसके अपोजिट साइड से हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें 1/4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1/4 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये जो है यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। नीचे के साइड में ही हमने 1/4 इंच बढ़ाया है, ऊपर के साइड में नहीं बढ़ाते, बाकी जैसा है वैसा ही हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये पार्ट को भी बढ़ाया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये स्लीव्स के लिए पेपर लिया है, इस तरह से हमने पेपर को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम आर्मोल नापते हैं। आर्मोल हम क्रॉस में नापेंगे, जैसे स्लीव्स की चौड़ाई निकालने के लिए आर्मोल को हमें क्रॉस में नापना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल आता है 7 इंच, तो इसकी चौड़ाई हमारी 1/2 इंच प्लस करना है, यानी कि 7.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। लंबाई हमारी ब्लाउज के स्लीव्स की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक सीधी लाइन लगानी है। ये जो है ये हमारी फोल्ड पट्टी है, जैसे एक्स्ट्रा जो लिया है हमने तो ये फोल्ड करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें सीधा 1 इंच लेना है और ऊपर के साइड में भी हमें सीधा 1 इंच लेना है। अब एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे हमें बाजू का शेप देना है, जैसे इस तरह से हम बाजू का शेप देते हैं।
अभी यहाँ पे हमारा जितना बॉटम होगा आपका, इसके ऊपर बॉटम लेना है। जैसे 6 इंच बॉटम है तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको कट करना है और यहाँ हमें जो बाजू का शेप हमने दिया है उसको कट कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई है। तो यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है इस तरह से। ये हमारी बैक साइड है। जैसे बैक साइड का जो गला है, ये हम कपड़े के ऊपर जितना आपका गला होगा उतना आपको बढ़ाना है। जैसे राउंड शेप का हो या स्क्वायर में हो, जैसा भी होगा वैसे आपको लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड हमारी इस तरह से आती है और ये हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको 32 यानी कि 32 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है। ये आप कपड़े के ऊपर कपड़े पे ऊपर आप ये पेपर कटिंग रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।